नमस्कार दोस्तों, सीटेट का एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग सरकारी रिजल्ट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको परीक्षा हाल में जाते समय अपना एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल न भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिट कार्ड की एक कॉपी ले जाते हैं, लेकिन आप लोग एडमिट कार्ड की दो कॉपी लेकर जाएँ। अब हम आपको बताते हैं परीक्षा हाल में क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिसमें फ़ोटो स्पष्ट साफ हो और फोटो लगी हो। जैसे आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तीसरी बात, आपको पेन ले जाना आवश्यक है। पेन ब्लैक कलर या ब्लू कलर का होना चाहिए। इंक पेन या जेल पेन नहीं चलेगा, आप मोटी निब वाली ओएमआर डॉट पेन ही लेकर जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। हो सके तो अपने साथ मास्क लेकर जाएं, लेकिन मास्क की अनिवार्यता नहीं है, पर अपने साथ मास्क लेकर जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। जिनका एडमिट कार्ड आ गया है और फोटो नहीं है या साफ नहीं दिख रही, उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री तभी मिलेगी जब उन्होंने सीटेट का एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया था, तो उस समय जो फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय की कलर फ़ोटो लेकर आप एग्जाम सेंटर जाएं। आपको हेल्प मिलेगी और एडमिट कार्ड में फ़ोटो ना छपने पर या ना दिखने पर भी आप उस फ़ोटो को दिखाकर परीक्षा हॉल में एंट्री ले सकते हैं। परीक्षा हॉल में स्मार्ट या डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। आपको परीक्षा हॉल में एंट्री एक घंटे पहले लेना है, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन होगा, लंबी लाइन लगेंगी, इसलिए एक घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचें। 15 मिनट पहले आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी। ओएमआर में अपना रोल नंबर और डिटेल फिल करें। 15 मिनट में अपना पूरा आप डिटेल फिल कर लीजिए। जब क्वेश्चन पेपर मिले तब पेपर करना शुरू कीजिए। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं कि ओएमआर सीट में सोचते हैं सीडीपी का पूरा कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन को फिलअप करेंगे, तो यह बात गलत है। या 150 क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाद में सब एक साथ फिलअप करूँगा, यह तरीका बिल्कुल गलत है। यह बहुत सारे छात्रों को फेल कराता है, इसी वजह से असफलता हाथ लग जाती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, जैसे आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से आप ओएमआर सीट में फिलअप करते जाएं। यानी 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के रेशियो के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसे साथ में 10 या 5 क्वेश्चन को फिलअप करते जाएं। ओएमआर सीट जब फिलअप करें तो ध्यान रहे कि एक गोला जब फिलअप करें तो दूसरे गोला पर ओवरलैप ना करें। ओएमआर भरने का सबसे अच्छा तरीका है, गोले के बाहरी आवरण यानी सर्किल पर पेन चलाएं और राउंड करके फिर अंदर पेन से गोले को भर दें, ये तरीका बेस्ट है। अब बात करते हैं पेपर किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। प्रत्येक स्टूडेंट का कोई ना कोई पोर्शन मजबूत होता है। किसी का सीडीपी, किसी का ईबीएस, किसी का हिंदी, तो किसी का मैथ। आपको वही सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है जो आपको सबसे ज़्यादा तैयार हो। जैसे आपको सीडीपी अगर अच्छे से तैयार है तो पहले सीडीपी कीजिए, या ईबीएस अगर तैयार है तो ईबीएस सबसे पहले कीजिए। कोशिश कीजिए हिंदी सीडीपी, हिंदी इंग्लिश आधे आधे घंटे में कर लीजिए, यानी निर्धारित समय के हिसाब से कीजिए, और जो थोड़ा टाइम बढ़े उसको मैथ में दे दीजिए, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन करना है। यदि मैथ में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सीडीपी, हिंदी इंग्लिश ईबीएस में थोड़ा टाइम मैनेज करें, और जो टाइम बढ़े उसको मैथ में लगा दीजिए। इस तरह मैथ में भी आप 25-26 नंबर आराम से पा जाएंगे। यानी जिसका जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा है उसे सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। यदि आप हिंदी इंग्लिश सीडीपी या ईबीएस में टाइम बचा लेंगे तो आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं। परीक्षा हाल में एक और बात ध्यान रखना है, परीक्षा हाल में जो एग्जामिनर हो उसकी सिग्नेचर
और अपना सिग्नेचर करना भूलें ना। एग्ज़ाम हॉल से निकलते समय आप अपनी कॉपी देख लें, अगर सिग्नेचर छूटी हो तो सिग्नेचर अवश्य करा लें। यदि सिग्नेचर नहीं होगी तो हो सकता है OMR सीट चेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सिग्नेचर का बेहद ध्यान रखें। OMR सीट में उत्तर पुस्तिका का नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा होगा। सेकेंड मीटिंग जूनियर वाले पेपर में आप सबसे पहले मैथ तो रहेगा नहीं, हिंदी इंग्लिश CDP सॉल्व करें। हिंदी इंग्लिश और CDP को निर्धारित समय से देखते हुए थोड़ा पहले कर लें, और जो टाइम बचे आप SST या जिसका मैथ साइंस हो उसमें अच्छे से दें। सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें एक बार में करते जाएं, जो जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उन्हें आप कर लें, फिर दूसरा राउंड मारें जिसमें दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है उसको करें। जब तीसरे फेज में आप उसे रखें जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी तीसरे राउंड में हम कह सकते हैं आप तुक्का लगाने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको तीसरे राउंड में रखें। पहले जो आ रहा है उसे करें, दूसरे राउंड में दो ऑप्शन में जो जिसे सिलेक्ट करना है उसको करें, तीसरे राउंड में तुक्का लगाने की प्रक्रिया अपनाएं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर CTET एग्ज़ाम अगस्त 2023।